राजनांद गांव जिले में धर्मनगरी डोंगरगढ़ में पिछले दिनों चंद्रशेखर के घर में घुसकर ताला तोड़कर घर की पेटी में रखे सोने चांदी के जेवरों पर हाथ साफ करने वाले चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ 456A और 380 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। कड़ी छानबीन के बाद आज सचिन उर्फ शाहिद परिहार, प्रकाश उर्फ चिंटू पिता पृथ्वीराज सहित 3 नाबालिग सहयोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही चुराए गए सामान को जब्त कर लिया गया है। जब्त सामान की कीमत करीब 1,00,000 रुपए से अधिक बताई जा रही है। सचिन और प्रकाश को रिमांड पर लिया गया है। चुराए गए सामान में नेकलेस, कान की बाली, पायजब, सोने की एक अंगूठी सहित अन्य सामान जब्त कर लिया गया है। शेखर के घर में इंदिरानगर में रात्रि में एक नकबजनी की घटना हुई थी, जिसमें उसके सोने चांदी के सामान और नकदी पैसे वगैरह गए थे, और लगातार पुलिस उसमें प्रयास करती रही और उसमें से 5 लोगों को पकड़ा गया था और 5 लोगों से सोना चांदी की बरामदगी की गई है, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं, एक चिंटू अम्बादे और एक सचिन परिहार है। ये संजय नगर बीड़ी कॉलोनी के रहने वाले हैं। ये भी चोरी में शामिल थे। लोगों से मामला बरामद किया गया है।